शुरुआत में अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गर्ल्स की 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। अब बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार इस भारतीय धाविका पर बायोपिक बनाने के इच्छुक हैं। हिमा IAFF टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला धावक बनी थी। अक्षय इस समय अपनी नई फिल्म गोल्ड के प्रमोशन में व्यस्त हैं। उनकी आने वाली ये फिल्म खेल पर आधारित है। अक्षय एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे जो अगले महीने से शुरू हो रहे एशियाई खेलों में जाने वाले भारतीय दल को शुभकामनाएं देने के लिए आयोजित किया गया था। मीडिया से मुखातिब होते हुए अभिनेता ने कहा, मैं हिमा दास पर बायोपिक बनाना चाहता हूं क्योंकि वो एक ट्रैक रनर है। उन्होंने कहा, उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है वो काफी कम लोगों को मिलता है। किसी खिलाड़ी का भारत के अंदरूनी हिस्से से आना और ट्रैक पर स्वर्ण पदक जीतना असल में अविश्वसनीय सा लगता है। राष्ट्रीय पुरस्कार जीतना, अभिनेता ने कहा, जब ट्रैक स्पर्धाओं की बात आती है तो भारत थोड़ा कमजोर सा लगता है। मुझे लगता है कि हमें इसे आगे बढ़ाना चाहिए और विश्व को दिखाना चाहिए कि हमारे पास काफी प्रतिभा है। अक्षय से जब पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि फिल्म खेल के प्रति दर्शकों की मानसिकता को बदल सकती है, तो उन्होंने कहा, मुझे गोल की कहानी पसंद है जो जल्द ही आने वाली है। मुझे लगता था कि ये कहानी बताने लायक है। उन्होंने कहा, ये बेहद रोचक और असल कहानी है। हमारे लोगों ने कई अच्छे परिणाम हासिल किए हैं लेकिन वो सार्वजनिक नहीं है।